आज हम अनफोल्ड करेंगे आपके लिए मरियम एंड मारी के अकॉर्डिंग आर्टिकल। ठीक है जी, ब्राइडल लहंगा है, इसको अनफोल्ड करेंगे आज हम नेट के ऊपर। अच्छा जी, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉडी, इसकी फ्रंट की बॉडी है, फ्रंट एंड बैक की शिफॉन के ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड विद स्टोन्स वर्क। डिटेल चेक कर लें इसकी आप लोग। ये इसकी फ्रंट की बॉडी हो गई। ठीक है जी, इस पर काम चेक कर लें आप। थ्रेड वर्क है पूरा विद पर्ल्स एंड स्टोन्स। ठीक है जी, साथ में सीक्वेंस का काम है इसके ऊपर। ठीक है, सेम एज ओरिजिनल पैटर्न है इसका। ठीक है, बैक बॉडी इसकी प्लेन है। ठीक है जी, ये इसकी बॉडी आ गई। अच्छा जी, ये है इसका लहंगा, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड। डिटेल चेक कर ले लहंगे की आप लोग। ठीक है, नेट के ऊपर है मिरर वर्क के साथ। ठीक है, दो पीस में है, फ्रंट अलग बैक अलग। ये इसका फ्रंट का पीस है, इस पर काम चेक कर लें आप लोग। ये इसके लहंगे का बॉटम है विद अटैच लेस। ठीक है, पर्ल्स के साथ। ठीक है जी, ये बॉटम आ गया लहंगे का। अच्छा जी, ये काम चेक कर रहे हैं आप इसके फ्रंट पे। हैवी एम्ब्रॉयडरी है सीक्वेंस वर्क के साथ विद ओरिजिनल मिरर्स। ठीक है जी, इसका पैटर्न चेक कर लें आप लोग। सेम एज ओरिजिनल पैटर्न है इसका सीक्वेंस वर्क पे। ठीक है जी, ये इसका आ गया फ्रंट लहंगे का पूरा। ठीक है, पूरा फैब्रिक है इसके अंदर। अच्छा जी, ये आ गई है इसकी लहंगे का बैक। ठीक है जी, इस पर काम चेक कर लें आप लोग। सेम फ्रंट है, सेम बैक है लहंगे का सीक्वेंस एंड मिरर्स के साथ। ठीक है जी, लहंगे की बैक आ गई। अच्छा जी, ये आ गई है इसकी स्लीव्स एम्ब्रॉयडर्ड शिफॉन के ऊपर। डिटेल्स चेक कर लें स्लीव्स के आप लोग। ठीक है जी, इसके स्लीव्स के कफ्स हैं एम्ब्रॉयडर्ड कफ्स विद स्टोन्स एंड सीक्वेंस। ये बंच है स्लीव्स का एम्ब्रॉयडर्ड विद अटैच मिरर। ठीक है जी, ये स्लीव्स आ गई हैं। अच्छा जी, ये इसका दुपट्टा आ गया है नेट एम्ब्रॉयडर्ड। डिटेल चेक कर लें दुपट्टे की आप लोग। ठीक है जी, इसका दुपट्टा आ गया टाइन डाई शेड में। टू शेड में दुपट्टा है इसका, सेम एज ओरिजिनल। दुपट्टे पे काम चेक कर लें आप लोग। हैवी सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी है दुपट्टे के ऊपर। ठीक है जी, दुपट्टे के फोर साइड पे लेस अटैच है विद अटैच पर्ल्स। ठीक है, फोर साइड पे लेस अटैच है इसके। दुपट्टे का शेड चेक कर लें आप लोग। टाइन डाई शेड में दुपट्टा है इसका। ठीक है, एंड ये इसका ट्राउजर। थैंक यू।